किसान अपने प्रोडक्ट की फ्री मार्केटिंग कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री। हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल डोंगरे। आज की हमारी गेस्ट है प्रगति गोखले मैम। प्रगति मैम बेसिकली एमएसएमई की साइंटिस्ट रह चुकी है एंड उन्होंने एक वेबसाइट बनाया है जिसका नाम है marketmirchi.com। इस वेबसाइट के थ्रू किसान अपने प्रोडक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइज कर सकता है, साथ ही वह दूसरे किसानों से कनेक्ट कर सकता है। आइए चलते हैं और जानते हैं इस वेबसाइट के फायदे। दोस्तों, इस वेबसाइट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में है, इसे अंत तक देखें और साथ ही मैक्सिमम शेयर करें सो दैट जो भी हमारे किसान भाई है उन्हें इसका फायदा मिले। थैंक यू सो मच प्रगति गोखले मैम, आपने हमें समय दिया। बिलियनेयर की टीम आपका स्वागत करती है। दोस्तों, हमारे साथ में है फाउंडर एंड चीफ मेंटर मिशन मेरा मोबाइल मार्केटिंग वाया मार्केटिंग marketmirchi.com। मैम, मैं जानना चाहूंगा कि आपका ये मिशन क्या चीज है बेसिकली। मैं एक निवृत्त प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूँ फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी एंड बाय एजुकेशन मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ। मैंने वंडरफुल। सॉफ्टवेयर बनाना, वेबसाइट बनाना, ये सारा मुझे बहुत खूबी से आता है। जी तो जब मैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट करके काम कर रही थी, ग्रामीण उद्योगों को उत्थान देना, उनको जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इनपुट देना, ये मेरा प्रमुख कर्तव्य था। और ओके। उस समय मैंने नोटिस किया कि ग्रामीण उद्योगों को अगर सही में चालना देना है तो जो उनका सबसे बड़ा इश्यू है वो मार्केटिंग का है, बराबर। क्योंकि ग्रामीण प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो गांव खेड़े में बनते हैं जी। तो उसको मार्केट अच्छा रहता है उसके लिए मार्केटिंग करना इन लोगों को पॉसिबल नहीं होता, बराबर। जैसे मेरे समय में हमारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम के दौरान मुझे ग्रामीण उद्योजक ने पूछा भी था, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने, कि हमारे लिए आप हर सिटी में शॉप क्यों नहीं बनवाते जहां हम हमारा माल बेच सके। बराबर। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरह से कुछ कुछ एग्जीबिशंस लगाती रहती है ये ग्रामीण उत्पादनों के लिए, जैसे धान्य बाजार होता है, फिर ये हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के एग्जीबिशंस होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए होता है सारस मेला वगैरह, और उसमें ये सारे ग्रामीण उत्पाद अच्छे से बेचे जाते हैं। तो इसका मार्केट है लेकिन प्रॉपर मार्केटिंग नहीं है, और गवर्नमेंट के तरफ से भी ये पॉसिबल नहीं है कि हमेशा एग्जीबिशंस लगाना और इन लोगों को आना, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसका इलाज ढूंढते हुए मैंने मेरे आईटी का जो नॉलेज है वो यूज करके एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक वेबसाइट बनाई, जिसका नाम रखा marketmirchi.com। ये आज से 6 साल पहले की बात है, 6-7 साल। और नाम हमने मार्केट मिर्ची इसलिए रखा कि सुनने वाला उसको भूले नहीं, बराबर। फिर भी कभी कभी लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये सिर्फ मिर्ची का मार्केटिंग है, इसलिए अभी हमने मिर्ची का लोगो वहां से हटा दिया। अच्छा, ये marketmirchi.com उसका मतलब है मार्केट का देसी तड़का, करेक्ट। अभी ये हो गया marketmirchi.com। इसका जन्म हुआ 6-7 साल पहले, यानी अराउंड 13-14। तो उस समय डिजिटल इंडिया इतना डीप रूट नहीं हुआ था जी। और हम गांव-गांव में इतना कंप्यूटर वगैरह इंटरनेट का भी जाला नहीं था जी। तो हम लोग क्या करते थे 2013-14 में, वी यूज टू विजिट एग्जीबिशंस, और जहाँ पे मैं अनाउंस करती थी कि सारे जो स्टॉल होल्डर्स रहते थे, जैसे कि ग्रामीण उत्पाद बेचने वाले स्टॉल होल्डर्स है जी मैम, किसान है, ये अपने अपने प्रोडक्ट्स की एड आप दे दो एक कागज पे लिख के, और फिर बाद में हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर वो हमारे marketmirchi.com पे डाल देते। ओके। लेकिन इसमें एक गैप रह जाती थी। गैप ये थी, मेरा आज भी कहना है और उस समय भी था, कि अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग अपन ने खुद करनी चाहिए, बराबर। और जब तक अपन उस वो प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं रहते तो आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते कोई। और बहुत से गवर्नमेंट इनिशिएटिव में वही हो रहा है, वेबसाइट्स बहुत सी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस निकाल रही, कोई तो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर सारे प्रोडक्ट्स अपलोड कर देता है एंड देन नोबडी बॉदर। और ये एक्सपीरियंस हुआ जब हमारे marketmirchi.com पे एक बाल्डनेस के लिए एक
मारुति हर्बल करके एक होसूर की छोटी सी कंपनी है, उनको उन्होंने ऐड डाली थी, यानी हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर ने उनकी अपलोड की थी और उनको इंक्वायरी आई जर्मनी से डायरेक्ट। अब वो छोटे से गांव में बिल्कुल पिपली लाइव जैसा हो गया और वो तो भूल गए थे, एक कागज पे लिख दिया था और भूल गए थे जी। और फिर लकीली मेरा भी नंबर था तो आई इंटरवीन एंड द डील वेंट ऑन। तो ये गैप आई वाज नोटिसिंग और होते होते 2016 आ गया जी। तो ये कहानी का दूसरा भाग है कि मिशन मेरा मोबाइल मेरा मार्केटिंग कहाँ से शुरू हुआ। अच्छा। 2016 में मैं गई थी भूज, हमारे एमएसएमई की तरफ से एक बड़ा एग्रीकल्चर एग्जीबिशन था और जिसमें मुझे ये marketmirchi.com प्लेटफॉर्म बताना था। बिल्कुल। तो सडनली मेरा लैपटॉप काम करना बंद हो गया। अरे। तो जो लड़का मुझे असिस्ट कर रहा था एमएसएमई की तरफ से वो स्मार्ट था, वो बोला मैडम उसमें कोई जरूरत नहीं है लैपटॉप की, हम हमारे मोबाइल पे दिखाएंगे। अभी वो 2016 की बात कर रही हूँ जब डिजिटल इंडिया ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के लगातार एफर्ट से एस्टेब्लिश हो गया था और बहुत सारे लोगों के हाथ में ये छोटा सा स्मार्टफोन आया था, आ गया था। जिसके जरिए आज मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो एक्चुअली वो बोला ठीक है, तो मुझे भी ये नई चीज थी बींग आईटी प्रोफेशनल। मैं बोली कि अच्छा दिखा सकते क्या, वो बोला हाँ। और जो लड़की बैठी थी एग्जीबिशन काउंटर पे शी वॉज अ सुपर स्मार्ट, उसने अनाउंस करना शुरू किया, लिसन द लाइन, उसने अनाउंस करना शुरू किया मारे मोबाइल से मारो मार्केटिंग, मारे मोबाइल से मारो मार्केटिंग। एंड दैट लाइन कैच सो वेल कि मेरे सामने उस दिन लंबी कतार लग गई किसानों। अच्छा। और वो भूम यानी गुजरात का रिच एरिया, और उन लोगों के पास इतने बड़े बढ़िया बढ़िया मोबाइल थे कि मुझे मेरे मोबाइल की शर्म आई। तो दैट वे वी नेम्ड आवर मिशन एज मिशन मेरा मोबाइल मेरा मार्केटिंग। तो ये मिशन मेरा मोबाइल मेरा मार्केटिंग की बैकग्राउंड है और आज के स्टेट में उसमें तीन प्रमुख कंपोनेंट है जिसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगी। पहला ऑफ कोर्स है marketmirchi.com। ये हमारा जो एक्सपीरियंस हुआ उसके बाद हमने उसको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिव डिजाइन में कन्वर्ट किया, बहुत ज्यादा मोबाइल फ्रेंडली। और हाँ, हमने इसको ऐप नहीं बनाया क्योंकि ऐप बनाने के बाद ये प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करो, अपने मोबाइल पे स्पेस क्रिएट करो, ये सारी चीजें ग्रामीण एरिया में सिखानी पड़ती है। सो वी वेंट फॉर अ मोर प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी, प्रोग्रेसिव वेब ऐप टेक्नोलॉजी, और जिसमें marketmirchi.com बनाया गया है। ये कोई भी ब्राउजर से खुलता है और आप उसका आइकॉन भी गूगल वहाँ ऑप्शन ही देता है कि मेक दिस आइकॉन ऑन होम स्क्रीन। ओके। तो ऐप जैसा आप उसका आइकॉन सेव कर सकते। अच्छा। अभी marketmirchi.com भारत की सभी भाषाओं में चलता है जी। और इसमें जो खास चीज जो है वो इसका इंटरफेस। हमने बहुत बहुत ज्यादा ग्रामीण लोगों को सामने रखते हुए वो इंटरफेस बनाया। यहाँ शुरू यहाँ टोटल 26 कैटेगरीज है जिसमें सारे ग्रामीण और रूरल प्रोडक्ट्स है जी। आपको वहाँ फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, सब्जियां मिलेंगी, सीड्स मिलेंगे, इवन ग्रामीण सर्विस प्रोवाइडर्स मिलेंगे, इवन मसाला पापड़ मिर्ची वो सारे मिलेंगे, आइटम्स मिलेंगे। तो ये सब 26 मेन कैटेगरीज में अलग अलग सब कैटेगरीज। और ये सेल सेक्शन में भी है, बाय सेक्शन में। अच्छा। और इसके अलावा हमने जॉब सेक्शन रखा है ओनली फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर एंड वेटरनरी बेस्ड जॉब्स। अब जॉब सेक्शन इसलिए रखा है कि कभी कभी गांव के अपने किसानों को वेबसाइट ऑपरेट करना नहीं आएगा अगर वो मेरे उम्र के हैं, तो उनके बच्चे अपने जॉब के लिए वेबसाइट देखेंगे तो उनके भी प्रोडक्ट की एड डाल देंगे। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये वेबसाइट की विशेषता यह है कि ये बहुत सिंपल है, तो इसमें क्या है, सेल बाय और जॉब्स तीन सेक्शन है और सभी में वो 26 कैटेगरीज है। जॉब्स में कैटेगरीज अलग है लेकिन सेल और बाय में वो सारी 26 कैटेगरीज है ग्रामीण और कृषि उत्पाद से जुड़ी जी। और सेल में अगर आपको आपकी सेल एड डालनी है तो एक पीला सा बटन है बड़ा, उस पर आपको सिर्फ क्लिक करना है। शुरू में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्लिक ऑन पोस्ट प्री सेल्स एड बटन।
जो कैटेगरी है आपको सब्जी बेचनी है, क्लिक ऑन वेजिटेबल और आपकी एड दे, जिसमें आपका हेडिंग आवश्यक है। हेडिंग में अगर ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक लिखो और डिटेल्स में भी आपके प्रोडक्ट के बारे में लिखो। और वेबसाइट जो भी बायर्स देखते हैं वो ये सारे वर्ड पे सर्च करते हैं। अच्छा। आखिरी में प्राइस देनी है, अगर प्राइस नहीं, वो प्राइस सिर्फ न्यूमेरिक है, उसमें रुपीज वगैरह लिखना नहीं है, और प्राइस अगर निगोशिएबल है तो जीरो ही, ठीक है, ऐसा हमने बताया। वो इट इज डिस्प्लेड दैट प्राइस इज निगोशिएबल। यूनिट सिलेक्ट करो एंड देन इफ यू आर पोस्टिंग एड फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर पहली दफा डाल रहे हो तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो, अदरवाइज क्लिक ऑन द ओल्ड यूजर लॉग। एक बंदा अपने सेल के लिए, अपने बाय के लिए, अपने जॉब्स के लिए जितने चाहिए एड्स फ्री में पोस्ट कर सकता है। Wonderful. और वो एक ही बार उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। Amazing. अब रजिस्ट्रेशन में भी उसको ईमेल मैंडेटरी नहीं है, नेम एड्रेस और सबसे इम्पोर्टेंट है उसका मोबाइल नंबर, वही उसको अपना यूजर नेम रखना है, एक सिंपल सा पासवर्ड देना है और पोस्ट एड पे क्लिक करना है। जी। पोस्ट एड पे जैसे वो क्लिक करता है उसको तीन ऑप्शंस दिखते हैं कि आई वांट, इफ यू वांट टू अपलोड फोटो तो आप मोबाइल में से एक हाथ फोटो अपनी एड के साथ अटैच कर सकते हो, उस समय नहीं किया तो माय एड्स में जाके बाद में भी कर सकते हो। जी। और इसमें लोग आपको एक तो SMS में भी आ जाती है बायर्स की लिंक यानी खरीदीदारों की लिंक, और सामने भी दिखाई जाती है कॉन्टैक्ट बायर्स। अच्छा। अब वो लिंक पे कॉन्टैक्ट करके आप डायरेक्टली बायर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये है विशेषताएं, आप तुरंत बायर्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हाँ, इसमें कोई भी कमर्शियल मॉडल न होने के कारण, जनरली क्या होता है कमर्शियल मॉडल रहता है तो सेलर्स को बायर्स के नंबर नहीं दिखाए जाते, बायर्स को सेलर्स के नंबर, राइट, सम मिडल मैन इज देयर, द वेबसाइट इज अ मिडल मैन, लेकिन हम लोग मिडल मैन नहीं है, तो हम लोग आपको सारे बायर्स के नंबर दिखाएंगे और सारे सेलर्स को, सारे बायर्स को सारे सेलर्स के नंबर दिखेंगे। वाह वाह वाह। बाय के लिए भी वैसे ही ऐड करना है, पोस्ट फ्री बाय ऐड सिर्फ क्लिक करना है। और आज बिग बास्केट से लेकर सब लोग इसमें बाइंग एड्स भी डालते हैं। अभी इसमें सवाल यह है कि आप, हमारा कमर्शियल मॉडल नहीं है तो जो जनरली क्या रहता है, प्राइम लिस्टिंग करके एक प्रकार रहता है, जो पैसे ज्यादा देता है उसका टॉप प्रायोरिटी में दिखाया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जब आप पहली दफा एड डालते हैं तो आपको वन एक्टिव रैंक मिलती है, एक। Okay. इसके बाद आपको बायर्स बाय सेक्शन में जाके आप जितने बायर्स को, वहाँ सर्च टेक्स्ट बॉक्स में आप वो वर्ड डाल सकते हैं, जैसे आपको पोमोग्रेनेट बेचने हैं तो पोमोग्रेनेट डाल के आप सर्च करो तो आपको सारे पोमोग्रेनेट के बायर्स दिखेंगे बाय सेक्शन में जाके, जो आपको एड पोस्ट करने के बाद भी दिखाया जाता है। अच्छा। और जितने बायर्स के एड्स को आप क्लिक करेंगे उनके कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिखेंगे और उसी वक्त आपका एक्टिव रैंक भी बढ़ता जाएगा। सिमिलरली जितने बायर्स भी आपको कॉन्टेक्ट करेंगे आपकी एड देख के, आपका एक्टिव रैंक भी बढ़ता जाएगा। Okay. तो इस तरह से एक्टिव सर्च एक्टिव सेलर्स और सर्च एक्टिव बायर्स करके हमने होम पेज पे अलग से लिंक्स दी है, यानी अच्छा। सामने वाले को पता चले कि कौन एक्टिव है, कौन ज्यादा काम कर रहा है वेबसाइट पे, मतलब कौन रिलायबल है, क्योंकि इतने बार कर रहा है और किसी की कंप्लेंट नहीं, देन इट इज अ गुड वन। सो इस तरह से आज 200 के ऊपर एक्टिव रैंक रहने वाले सेलर्स भी है और बायर्स भी। Wonderful. तो ये है मिशन मेरा मोबाइल मेरा मार्केटिंग का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट, marketmirchi.com। ओके। इसके लिए बहुत अच्छा वीडियो भी बनाया है कैसे यूज करना, और वो marketmirchi.com के हेल्प मेन्यू में अवेलेबल है। मैम इसके लिए जी, ये तो आप बहुत अच्छे से मतलब लोगों के ग्रामीण को क्या कह सकते हैं हम लोग, कॉमन पब्लिक से अटैच कर रहे, एक ब्रिज की तरह आपने इसे ज्यादा करके, ये कॉमन पब्लिक से ज्यादा B2B मॉडल है। Okay. क्योंकि आप सोचेंगे ना तो फार्मर्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सिंगल सिंगल बायर्स को बेचने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, दे आर इन द आफ्टर बल्क बायर्स। तो यहाँ पे आज बड़े बड़े ट्रेडर्स एक्सपोर्टर्स अपने अपने प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट्स के लिए सेलर से खुद कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। Okay, okay. क्योंकि इट इज अ टोटली फ्री ओपन सोशल मिशन, एंड आई ऑलवेज से दैट मिशन मेरा मोबाइल मेरा मार्केटिंग विद marketmirchi.com इज नाइदर स्टार्टअप nor social enterprise. Okay. And not even an NGO. Okay. It is my humble giving back to society.
वंडरफुल। तो ये मैं खुद मैंने खुद बनाया है और खुद चला रही हूँ। बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छा थॉट है। हाँ, तो ये मिशन मेरा मोबाइल मेरा मार्केटिंग का दूसरा भाग है, कनेक्टिंग अनकनेक्टेड, यानी गांव के लोगों तक कैसे पहुंचा जाए। इसके लिए एमकेसीएल ने बहुत अच्छे हिंदी वीडियो बनाए हैं, जो अभी हमारे वेबसाइट पे भी मैंने बताया वैसा उसका लिंक दिया हुआ है। और कृषि विज्ञान केंद्र, वेरियस एनजीओ, नाबार्ड, एनआरएलएम, और जैसे कि आज आप भी प्रयास कर रहे ऐसे लोगों के थ्रू ये इनिशिएटिव भारत के कोने कोने में स्प्रेड हो रहा है। बिल्कुल मैम, आज ये वेबसाइट पे नागालैंड दिमापुर से लेके डाउन साउथ तक आप एड्स पा सकते हैं। नॉट इवन दैट, इवन नीदरलैंड, यूक्रेन, श्रीलंका, भूटान से भी लोग अपने एड्स डाल लेते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। तो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ मिशन मेरा मोबाइल मेरा मार्केटिंग। यानी हम लोग उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स भी करते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी करते हैं बिफोर कोरोना एंड विद इन कोरोना। हम लोग वेबिनार के जरिए ये ग्रामीण लोगों को, किसानों को हाउ टू यूज marketmirchi.com इसका ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे चुके हैं कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और तीसरा भाग है कि उनके लिए बायर्स ढूंढना, खरीदार ढूंढना। ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट है, क्योंकि जब तक बेचने वाले नहीं खरीदने वाले नहीं, और जब तक खरीदने वाले नहीं बेचने वाले नहीं, मुर्गी पहले के अंडा जैसा प्रॉब्लम था। और हम 6 साल के हमारे अथक प्रयत्नों के बाद हम लोग अभी यशस्वी हुए हैं कि आज ये वेबसाइट पे जितने सेलर्स हैं उतने ही मात्रा में बायर्स भी मौजूद है। और इसके लिए IIT मुंबई, उनका एक सितारा करके प्रोग्राम है, सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी अल्टरनेटिव्स फॉर रूरल एरिया, उनके साथ मिलकर हम लोग कुछ स्क्रैपर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल्स पे भी काम कर रहे हैं। तो ये है हमारे मिशन मेरा मोबाइल मेरा मार्केटिंग की कहानी। और बहुत से ऑर्गेनाइजेशन इसमें जुड़े हुए है, जैसे कि नाबार्ड ने बहुत सारे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम बीच में करवाए थे, एनजीओ तो है ही, बायोफ है, और फिर नेशनल बाम्बू मिशन ने एक SMS पैक गिफ्ट किया है, जिसके जरिए सबको SMS भी जाते हैं, बायर्स ने सेलर को कॉन्टेक्ट किया या सेलर ने बायर को कॉन्टेक्ट किया। उनके लिए हमने स्पेशल बाम्बू, हर्बल और फॉरेस्ट्री की कैटेगरी डाली है नेशनल बाम्बू मिशन। ऐसे बहुत से लोग जुड़े हुए है और जुड़ना भी चाहते हैं। भारत सरकार के जो kisanmitra.gov.in पे इसका लिंक भी दिया हुआ है, marketmirchi.com। तो राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका और भी कुछ प्रश्न पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर टाइम। डेफिनेटली मैम, इससे इस प्लेटफॉर्म से डेफिनेटली जो हमारे किसान भाई लोग है वो डिजिटल तो हो ही गए है और वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर पा रहे हैं। इससे जब वो लोग फर्स्ट टाइम रजिस्टर करते हैं तो क्या उन्हें किसी तरीके की फी वगैरह पे करनी होती है इसमें? नहीं नहीं, ये पूर्णतः फ्री है। वो अपने उनको रजिस्टर भी शुरू में करना नहीं है, उनको सीधा पोस्ट फ्री सेल्स एड पे क्लिक करके अपना काम शुरू करना है। वो चाहे जितने एड्स डाल सकते, चाहे जितने खरीदारों को कॉन्टेक्ट कर सकते, ना तो हम बड़ी कंपनियों से पैसा लेते हैं ना किसी से पैसा लेते। और इसमें ऐसा हमारा एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है दुनिया में कि फ्री में कोई वैल्यू नहीं होता। बिल्कुल, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी टू से यू शेयर विद यू कि आज ये फ्री इनिशिएटिव से मोर देन 70% डायरेक्ट मार्केट लिंकेजेस ग्रामीण और रूरल शहरी में बन रहे हैं व्यापार विभाग। मैम, इसमें जो आप जैसे कोई बायर किसी से कनेक्ट होता है, उसके बाद में जो भी ट्रांजेक्शन्स उनके बीच में होते हैं उसके थ्रू आपको अभी तक कोई वैल्यू क्रिएशंस की इतने का ट्रांजेक्शन्स मीडियम में नहीं मिलता, बिकॉज इट इज नॉट अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, वी आर अ मार्केट लिंकिंग प्लेटफॉर्म लाइक अ ट्रेड इंडिया और क्विकर। ओके, सिर्फ डिफरेंस इतना है कि हम लोग उनको मार्केट लिंकेजेस फ्री में करा के देते हैं। ओके, बाद में जाते वो आपस में क्या ट्रांजेक्शन करते हैं और 2-4 ट्रांजेक्शन के बाद हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड वी हैव वेरी क्लियरली गिवन अ डिस्क्लेमर कि सेलर्स और बायर्स के बीच में कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस हुआ
then we are not responsible. Correct. But fortunately, there is no legal complication happened till now. हुआ तो भी वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, लेकिन मेरा नंबर शेयर किया हुआ है तो लोग एटलीस्ट बोलते थे ना कि ये आदमी फ्रॉड है, उसका एड ब्लॉक करो, तो वैसा भी नहीं हुआ. ऐसा भी नहीं हुआ, लोग समझदारी से कर रहे हैं, लोगों को भी समझता है कि व्हाई आई एम डूइंग दिस. एंड एक्चुअली हमारे जो कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं किसान और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसमें तो हम उनको सीधा बताते हैं, भाई यू गो फॉर अ कैश अगेंस्ट डिलीवरी मॉडल, डोंट गो फॉर क्रेडिट इनिशियली. बाद में आपके और उनकी सोयरी हो गई तो आप कुछ भी कर सकते हैं उसमें, हमारे लिए चलिए. अगर बिग बास्केट वगैरह है तो छोड़ दो, बड़ा ब्रांड है, नहीं तो ऑलवेज गो फॉर अ कैश अगेंस्ट डिलीवरी. और हमारी कई सारी सक्सेस स्टोरीज भी बीबीसी न्यूज ने बीच में रिकॉर्ड करके शेयर की थी, तो उसमें हमारे नागपुर से भी एक दो लोग है, एक तो राजस्थान से है जो गोबर बेच रहा है मार्केट मिर्ची.com. अरे वाह. उसने इतनी ठंडा ऐड की थी, देसी गाय का शुद्ध गोबर होम हवन के लिए, और उसको खरीदार भी मिल गए. और नागपुर से सक्सेस स्टोरी है, वो एक बंदा है जिसने अपना एक प्रोफेसर की का जॉब छोड़ के नर्सरी शुरू की थी, और वो अंजीर वगैरह के पौधे बेचता है, तो उसको मार्केट मिर्ची.com पे बहुत से ग्राहक मिल गए, तो उसकी सक्सेस स्टोरी शूट हुई थी. तो उसको मैंने भी पूछा कि आप फिर फाइनल डील कैसे करते हैं, देन ही टोल्ड मी कि बहुत आसान है, ट्रक का मॉडल रहता है, ट्रक लोड जब बेचते हैं तो ई वे बिल जनरेट होता है. हाँ. और अगेंस्ट दैट ई वे बिल वो लोग कुछ 50% शेयर करते हैं आपका, रिलीज करते हैं पेमेंट, और 50% माल पहुंचने के बाद. अच्छा, ओके ओके ओके, बहुत अच्छा मैम. इसके जरिए मतलब एक आपके इस इनिशिएटिव से कितने ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, और मतलब इट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, सच अ ग्रेट इनिशिएटिव मैम. थैंक यू सो मच, एक्चुअली आपने हमें समय दिया, एंड हम आपको बेस्ट विशेस देते हैं, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड ग्रो. और एक दो ही चीजें मैं बताना चाहूंगी इसमें. एक तो मेरा नंबर marketmirchi.com पे दिया हुआ है, फिर भी फिर से यहाँ बताती हूँ, क्योंकि अगर किसी को कोई शंका है तो व्हाट्सअप करे तो बेहतर है कॉल करने से. 9822719618. आई रिपीट, 9822719618. और आखिरी में हमारा पॉपुलर स्लोगन marketmirchi.com, marketmirchi.com, शहरों से जोड़े ग्राम, बिक्री खरीदारी रोजगार, संपर्क सीधा बनाए काम. थैंक यू.